आचना छबड़िया नहीं क्यों मैं अब मन भी नहीं था आने का फिर भी मैं आ गया, तुम्हारा बढ़िया ही नहीं हो रहा। बताओ क्या चल रहा है, हैं क्या हो रहा है? साले नॉमिनेशन टास्क के चक्कर में डिले एपिसोड देखना पड़ता, उसके बारे में क्या बात करूं जब अभी इतना इंटरेस्टिंग चल रहा है। आज का एपिसोड इंटरेस्टिंग होने वाला है। करूं तो कहूं क्या, क्या बोलूं, क्या छुपाऊं। साला कल एक मिनट कम पड़ गया मेरे पास इनकी मिक्सअप की वजह से। अबे साले। हाँ तो पहले नॉमिनेशन टास्क के साथ शुरू करते हैं। तो कल था नॉमिनेशन टास्क और फुद्दू काटा है कंटेस्टेंट का। साले जिया शंकर को दिया अभिषेक, अभिषेक या अविनाश। साले पूजा भट्ट देना था ना उसको, वेदिका को तू दे रहा है जिया शंकर और पूजा भट्ट। जब तुम्हें मालूम है वो डायन सपोर्ट करेगी पूजा भट्ट को, तुम्हें सेफ रखना था ऐसे ही बोल देते कि बिग बॉस चाहते बिग बॉस की पूजा भट्ट फाइनल में जाए, बोल देते हम मान लेते यार, नौटंकी करने की क्या जरूरत थी। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। एक तो साले इनके पास एक बजर है, हर सीजन में ले आते हैं। अरे पिछले बार का पड़ा हुआ ना उठा ले, अबे कुछ नया कर ले। साले बटन दबाते रहो, सालिन बंदा उतने इतने बटन तो दबाए थे, अबे देख लिया था उसमें और कितना देखे। मैं नहीं बताऊंगा। और खेल तो गई जिया शंकर, साली नागिन 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 नाचना चाहिए। जहर अड़ गया अविनाश को बचाने का, ये अड़ गया अभिषेक को बचाने का। और ऐसा नहीं प्यार है, इश्क है, मोहब्बत है, डायनपन है, नागिन मैं ऐसे ही नहीं बने हूँ। साली ने अभिषेक को सेव इसलिए किया कि अविनाश जाएगा तो मेरे बचने के चांसेस ज्यादा होंगे। साली यहाँ पे भी अपना ही फायदा सोच रही है। और इसके बाद गम गूदा है इसमें, तेरे लिए मैं बहुत करती हूँ साली, तू अपने लिए कर रही है हरामन। बात तो सही है। हाय गर्मी भाई साहब, उठ के पसीना पोंछने के लिए रुमाल लेके आया हूँ मैं, इतनी गर्मी हो रखी है। हाँ, बाकी कहा वापस चलते हैं बिग बॉस में। बिग बॉस में क्या चल रहा है, फैमिली वीक। फैमिली वीक में कल तुम्हें बता दिया था अभिषेक की मम्मी आई हुई थी और उनका नाइट स्टे था, तो वो लोग अपना लगते रहे। पहले कहती मेरे को बताया गया कि बाहर की बात नहीं करनी, मैं तो सारी बातें तो कर ली आंटी, और कौन सी बात बची है। ट्रिगर्ड इंसान ने लाइव स्ट्रीम में तेरी तारीफ करी, बोल दिया। मीटअप करता नहीं वो किया, बोल दिया। ब्लॉग बन रहे हैं डल रहे हैं, बता दिया। और कौन से रूल्स साला, अभी मैं ब्लॉग देख रहा था आंटी जी का, तो उसमें अब निश्चय कहता है कि मम्मी को ना इंस्ट्रक्शन देके भेजा गया है, कुछ नहीं बता रही। मैं कहा रुको जरा, सबर करो, एक बार बाथरूम जान दो उनको, क्लीनिंग रूम जान दो, वो सारी बातें बता देंगे अभिषेक को। इस मामले में सही था उसका मनीषा रानी का पिता, सब बोल के चला गया। तुमने मुझे मना किया है बेटी, आओ चुगली करें, कुछ भी कुछ भी। और भाई सब कल रात को जो रोई है हमारी नागिन, नागिन डांस करते हुए, उसको लगा टास्क खत्म हो गया, मेरे घर से कोई नहीं आने वाला। मैं कहा तू घर से बाहर चली जा, हमें तो चाहिए भी नहीं तू। गजब बेइज्जती है। एल्विश इमोशनल रखा है कि उसको उम्मीद थी कि मम्मी आएंगी, मम्मी आएंगी, मम्मी आएंगी, मम्मी नहीं आई, बट उम्मीद थी कि अगले दिन भी टास्क कंटिन्यू हो रहा है तो आ सकती है। भाई साहब कल तो पूरे दिन सेंटी बैठा रहा मेरा भाई। इवन जब अभिषेक की मम्मी आई उनको उनका रोना देख के भाई इमोशनल हो रखा था। आज सबसे पहले मेरे ख्याल से जयशंकर की माँ आई है, जो मैंने बिल्कुल नहीं देखा। बस मेरे को पता चला है कि एल्विस से माफी मांगी है और बोला है मैं पानी पीऊंगी तो एल्विस के हाथ का। मैं का शैम्पू साबुन कोई तो दो मुझे, बदला वापस दे देगा टाइम है। सज्जन को क्या तकलीफ है भाई। हाँ तो जिया शंकर की माँ के साथ ये हो गया। इसके अलावा क्या है। हाँ फिर आया इंडियन जैड, ओजी जैड, महेश भट्ट। महेश भट्ट क्यों बोलना पड़ रहा है मुझे, असली नाम जानते हो तुम। साले बिग बॉस ने म्यूट कर दिया वरना उन्होंने एक्चुअली वही गाना बजाया था, महेश समझ गए ना। नहीं भाई मैं मजाक नहीं कर रहा, मेरे ख्याल से एक डेढ़ घंटे के लिए भेजते हैं इनको। जैड ने अभी 50 दिन में जितना किया है हर लड़की के साथ, इस बंदे ने 1.5 घंटे में कर दिया हर लड़की के साथ। अपनी बेटी छोड़ के इस बार मतलब बैठा है, ठीक है बैठा है तो ऐसे भी बैठ सकते हैं या ऐसे भी बैठ सकते हैं, या चाय पी रहे हो तो चाय पी लो, है जो भी जूस पी रहे हो वो पी लो। एक हाथ देविका के बबीता डायन के, एक हाथ मनीषा रानी के। मैं कह साले हाथ है हैंडल थोड़ी है जो रख के बैठा हुआ है, साले तमराज किल्विश देविका का हाथ रगड़ रहा है। मैं कह आग थोड़ी निकलेगी उसमें से अरकी। एक तो आते के साथ ही एल्विश को पकड़ लिया कि तू बड़ा स्ट्रांग है, फिर अपने अल्कोहलिज्म की कहानी सुना रहा है। मैं कह कनेक्शन क्या हुआ, सेंस क्या है। एक तो महेश डी की मेरे को आधी बातें समझ में नहीं आती, सच बता रहा हूँ मैं। हंसना कम करो अंदर, अबे क्या आत्मा निकाल के दे दूँ तेरे को, साले किलो के भाव में बेचेगा तू। जिया शंकर को बोला
ये जो तुम इतना मुस्कुरा रहे हो क्या गम है? तेरे को क्यों बताऊं, तू डॉक्टर है, थेरेपिस्ट है, कौन है तू? महेश डी साले करियर के नाम पे बिस्तर पे पहुंचाने वाले महेश डी। क्या कर रहे हैं यार तू, मजाक है क्या? एक तो तुम नोटिस करना, कल आएगा ये पार्ट। जब भी के किसी को देखता है ना, मेरे को समझ में ना, तो क्या तेरा खोया हुआ खजाना ढूंढ रहा है मेरी आंखों में? साले तुझे मालूम है अभिषेक एक्टर नहीं, तू देख क्या रहा है, सॉफ्टी है तू, तो खा ले। अब्बा नहीं मानेंगे। फिर वो मनीषा रानी को ऐसे घूर रहा है, मैं कहा मेरी आत्मा डर के भाग गई, तू ढूंढ क्या रहा है? सच में ऐसा लगता है कोई साला भूत भगाने वाला है, साली आत्मा चढ़ गई है, उतारने आया ये। और भाई सब जितनी देर के लिए था ना, ये पोस्टर देखो, क्या खोपड़ी तोड़ना चाह रहा है मेरी। कुछ नहीं हो सकता महेश जी का, हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा, चल। इसके बाद आई इंटरेस्टिंग चीज, एल्विश की माँ की जगह पे आए पापा प्रोफेसर साहब। और भाई साहब एल्विश का सार्केज्म कहाँ से आता है ना, मुझे लाइव देखने को मिला है। और एक तो भाई तो मानो या ना मानो, अंकल जी लाइन तो मार रहे थे पूजा भट्ट पे, पूरी लाइन मारी है, अरे हमारी हीरोइन है। मैंने आज तक पूजा भट्ट की एक फिल्म नहीं देखी है, एक भी फिल्म नहीं देखी, बस पता है मुझे। हाँ ना मैंने सड़क देखी है, अरे हाँ मैंने एक फिल्म देखी है, चुप, द रिवेंज स्टोरी पता नहीं जो भी है, वो भी उसके लिए नहीं देखी थी मैंने, सलमान खान वो सनी देओल और दलकीर सलमान के लिए देखी थी मैंने। पूजा भट्ट के लिए देखना हो तो काट के देखता मैं। हाँ मूवी में भी तो काटा ही जा रहा था मेरे जैसे लोगों को। हाँ बट वो काफ़ी इंटरेस्टिंग था, अंकल जी ठहरे असली सख्त लौंडा भाई साहब, बोला बाहर की बात नहीं करनी, एक शब्द नहीं बताया। अरे सब सही चल रहा है, सब सही चल रहा है, अरे तेरा बाप बैठा है ना बाहर, है ना? बाबा पूछ रहे सब ठीक है, वो कहता हाँ ठीक है, मैं ठीक नहीं है तो ठीक कर लो भाई साहब, अंकल जी डायलॉग मजा आया। अब ये सब चल रहा था, इस बीच में खबर आई कि आलिया भट्ट बिग बॉस के सेटअप पे दिखी है, मतलब जो है जहाँ पे भी स्टूडियो है, तो मुझे लगा अब आलिया भट्ट आने वाली है, क्योंकि बीबीका ने तो बोल दिया था बबीता डायन ने कि मेरे पापा तो नहीं आ सकते क्योंकि वो बीमार रहते हैं। मैं कहा बढ़िया है, आलिया भट्ट आएगी, कुछ इंटरेस्टिंग करेगी, मूवी का प्रमोशन भी कर देगी, क्योंकि अभी उसकी फिल्म आई है रॉकी रानी की प्रेम कहानी। पता चला ये बंदा आ गया। मैं कहा इसका क्या रिश्ता बीबीका से? फिर पता चला नहीं नहीं ये नहीं है, वो दूसरा है, ये दूसरा है। जेन्युइनली मैं सेम फीलिंग नहीं आई, सेम वाइब नहीं आई, पता नहीं ये बहुत फेमस पंडित है जिनके बारे में मुझे नहीं मालूम, पहले के कई सीजन में आए हुए ये भी मुझे नहीं मालूम, बट मैं पहली बार देख रहा था। वहाँ पे बबीता डायन रोने की एक्टिंग कर रही है, आप हाँ ठीक है ठीक है। अपनी बेटी साइड में दुनिया को नमस्ते, और वाह अंकल जी आप तो क्या कहते हैं स्टड निकले, स्टड इज्जत, गजब बेइज्जती है। हाँ तो अब टास्क कैसे खत्म होगा इसका मेरे को कोई आइडिया नहीं है, क्योंकि पूजा के पास दो हैं और अभिषेक के पास दो हैं, क्योंकि अभिषेक को एल्विश के पिताजी ने भी दे दिया था, और पता नहीं जिया शंकर की वहाँ पूजा को क्यों देखे गई, अपने दामाद को देना, बेटी इतनी मेहनत कर रही है रोमांस एंगल डालने का। अब बबीता जी के पिताजी किसको देंगे ये तो बबीता भी नहीं जानती है, बट देखते क्या होता है। इसके अलावा क्या है, देखो मेरे को फुद्दू सेक्शन रिकॉर्ड करना था कि फुद्दू न्यूज़ क्या है, बट अभी हो रही है एल्विश की रीडिंग, तो इस बारे में हम कल बात करेंगे, क्योंकि अभिषेक की भी होगी उस बारे में हम कल बात करेंगे, ठीक है? अभी जो भी हो गया मैं मिलता हूँ कल, पीस आउट।